सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में यार हम बात करने वाले हैं एक वेबसाइट के बारे में जो कि है एक रिज्यूमे बिल्डर वेबसाइट। सो नॉर्मली क्या होता है, हम क्या करते हैं वर्ड पे जाके अपना रिज्यूमे खुद से बनाते हैं तो हमें काफी ज्यादा टाइम लगता है, काफी टाइम टेकिंग वो होता है। हमें एक एक चीज को सेट करना पड़ता है, मार्जिन वगैरह सारी चीजें सेट करनी पड़ती है, फिर जाके काफी टाइम देने के बाद वहां पर हमारा एक रिज्यूमे तैयार हो पाता है। तो वो क्या है, काफी ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है। तो उसके लिए क्या है, हम काफी सारी वेबसाइट ढूंढते हैं जो कि रिज्यूमे बिल्डर वेबसाइट होती हैं, जहां पर क्या है हम सिर्फ उन्हें डेटा देते हैं और वो क्या है हमारे लिए पूरा जो रिज्यूमे का फॉर्मेट है वो ऑटोमेटिकली तैयार करते हैं। हमें सिर्फ जो डिटेल्स होती है अपनी पर्सनल वो देनी पड़ती है उसको, हमारा प्रोफेशन क्या है और हमारी स्किल्स क्या है, नेम एड्रेस वगैरह सारी चीजें देके हम क्या वहां से रिज्यूमे बनाते हैं। अब काफी सारी वेबसाइट पे क्या होता है, मोस्टली जो भी टेम्पलेट हमें पसंद आती है वहां पर हमें उसका प्रो या फिर प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, तब जाके हम उन टेम्पलेट्स को डाउनलोड कर सकते हैं अपने रिज्यूमे के लिए। सो इस वीडियो में जिस वेबसाइट की मैं बात करने वाला हूँ यार, उसका नाम है resumerpro.com। तो जब इसको खोलोगे तो कुछ इस टाइप का इसका इंटरफेस खुलेगा, इसका जो होम पेज है वो। और अब देखते हैं इसको यूज कैसे करना है। ना यहाँ पर शो मोर का जो बटन है उस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर जब आप नेक्स्ट पेज पे आओगे तो यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे, ऑल विद फोटो और विदाउट फोटो। तीनों कैटेगरी के जो रिज्यूमेस हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर मैं ऑल पे करता हूँ तो यहाँ पर ऑल पे मिल जाएंगे, विदाउट फोटो वगैरह विदाउट फोटो के, और विद फोटो के तो विद फोटो के रिज्यूमेस जो है वो आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऑल पे करता हूँ तो नीचे आपको कैटेगरीज मिलेंगी, बेसिक, क्रिएटिव, प्रोफेशनल, सिंपल और ट्रेंडिंग। सो इन सारी कैटेगरीज के जो रिज्यूमे वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई रिज्यूमे बनाना है तो अब मैं क्या कोई भी एक रिज्यूमे यहाँ से सिलेक्ट करूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला रिज्यूमे सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको एक प्रीव्यू दिखता रहेगा, इस साइड आपको क्या डिटेल्स भरनी है, जो भी आप डिटेल्स भरते जाओगे वो ऑटोमेटिकली जो है रिज्यूमे में ऐड होते जाएंगे अपने। ऊपर आप देखोगे 1, 2, 3 से लेके 9 तक नंबरिंग हो रखी है। यहाँ पर फर्स्ट आपको ऑप्शन है बेसिक का, फिर एजुकेशन का, फिर जॉब का, फिर स्किल्स, एक्स्ट्राज, रेफरेंस, रिव्यू। तो ये सारे ऑप्शन ऊपर दे रखे हैं, ये सारे स्टेप्स हैं। इन पूरे स्टेप्स के पूरे होने के बाद आप क्या रिज्यूमे को पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो अपने सिस्टम में। तो यहाँ पर इसको जल्दी से मैं फिल कर देता हूँ। So, ये मैंने डिटेल्स फिल कर दी। अब अगर आपको कोई भी फोटो यहाँ पे लगाना है तो आप चूज फाइल पे जाके जो है जो भी फोटोज आपका है वो आप ला सकते हो। और अब यहाँ पे क्या आपके जो भी सोशल मीडिया लिंक्स हैं उनका जो लिंक है वो आप यहाँ पे दे सकते हो। इस पे जाने के बाद यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि कौन से सोशल मीडिया का लिंक आप देना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिंक का दे दिया और xyz linkedin.com। अब मुझे एक और एड करना है तो मैं एक और एड कर सकता हूँ। सेम मैंने यहाँ पे गिटहब का दे दिया। अब यहाँ से हम इसे क्लोज कर देंगे। अब जो लिंक्डइन और गिटहब का वो दिया था वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें अपनी कॉलेज की जो डिटेल्स है वो डालनी है। अगर आप परस्यू कर रहे हो तो यहाँ पर आप प्रेजेंट पे क्लिक ला सकते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पर क्या है आपका प्रेजेंट लिखा आ जाएगा, ठीक है, या आप उस चीज को करंटली परस्यू कर रहे हो। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। अभी पूछेगा क्या आपके पास कोई एक्सपीरियंस है या नहीं। अब यहाँ पे मेरे पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं क्या आई डोंट हैव एक्सपीरियंस वाले बटन पे क्लिक करूंगा और स्किप कर दूंगा थर्ड स्टेप को, सीधे फोर्थ स्टेप पे आ जाऊंगा। अब यहाँ पे क्या समरी के अंदर आप इनमें से कोई सा भी ऑप्शन एक सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे दे रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने फर्स्ट वाला किया तो यहाँ पर क्या है अब इसे आप एडिट भी कर सकते हो, इसे आप यहाँ पे एडिट भी कर सकते हो जो भी आपको लिखना है, ठीक है। फिर जैसे ये फुलफिल हो जाएगा ये चीज यहाँ पर शो होगी, ठीक है, आपके बारे में जो भी आप लिखते हो अपने बारे में वो चीज यहाँ पे शो होगी। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट पे किया। यहाँ पे स्किल्स से रिलेटेड जो भी आपको चीजें डालनी है, ये वाला जो सेक्शन है स्किल्स का, यहाँ पर जो भी आप चीजें यहाँ पे ऐड करोगे वो यहाँ पर शो होंगी। जो भी स्किल्स थी वो मैंने ऐड कर दी है और इनको आप यहाँ पर भी मॉडिफाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे लिखना है जावा, तो स्टेप से इनको क्या आप मॉडिफाई भी कर सकते हो। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, अब हमें एक्स्ट्रा जो भी चीजें हमें डालनी है, फॉर एग्जाम्पल कोई लैंग्वेज है या फिर कोई सर्टिफिकेट हमारे पास है या कोई प्रोजेक्ट में हमने काम कर रखा है, वो सारी चीजें क्या है आप यहाँ पर डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या है इंग्लिश और एक और लैंग्वेज ऐड करनी है तो हम यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे। कोई सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, जैसे आपके पास xyz कोई सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पर डाल सकते हो और जिस डेट में आपने वो किया था वो डेट डाल दो। मैं कोई भी रेंडम डेट डाल देता हूँ यहाँ पर। नेक्स्ट प्रोजेक्ट, जो भी प्रोजेक्ट आपने किया, अगर आपने कोई भी प्रोजेक्ट किया तो आप उसका नाम यहाँ पर डाल सकते हैं। अब ये मैंने पूरा फिल कर लिया, अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अगर आप रेफरेंस लाना चाहते हो तो कंटिन्यू कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हो। तो अगर मैं लिखता हूँ आई डोंट हैव रेफरेंस, अपना पूरे जो रिज्यूम है उसको रिव्यू कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे अब आपका जो रिज्यूम है वो पूरा तैयार हो चुका है और जैसे आप प्रिंट रिज्यूमे पे क्लिक करोगे जिस भी लोकेशन पे आपको सेव करना है आप वहां पर इसे सेव कर सकते हो, ठीक है। मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। सो इस टाइप से क्या है आप
आपको जो भी टेम्पलेट अच्छी लगती है उसका यूज करके आप अपना रिज्यूमे बना सकते हो उस वेबसाइट पे। जितने भी टेम्पलेट्स है सारे फ्री हैं। इस वेबसाइट का जो लिंक है यार वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप इस वेबसाइट पर देख सकते हो। और बाकी इस वीडियो में इतना ही यार, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मेक श्योर यू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।